एबीपीएन न्यूज आपके साथ में हूँ शाली वर्मा। ग्राम मथुरा में बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त। कई दिनों से हो रही भारी बारिश तथा नदियों के बड़े जलस्तर ने ग्रामीणों के जीवन को अब संकट में डाल दिया है। भारी बरसात से गोंडा जिले के कटरा विकासखंड के ग्राम पंचायत मथुरा में भारी जल भराव देखने को मिल रहा है। ये गाँव टेढ़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारी बरसात तथा जल भराव के कारण गाँव में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। कई दिनों से हो रही बरसात ने क्षेत्र के तमाम गाँवों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। कई घरों में पानी भर गया है तो खेतों में जल भराव से फसलें चौपट हो गई हैं। परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मथुरा गांव में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगह से सामने आ रही तस्वीरें और वीडियो से ये साफ झलक रहा है। कहीं बच्चों को गोद में लेकर इधर उधर बैठाया जा रहा है तो कहीं मवेशियों पानी में बैठी दिखाई दे रही हैं। किसी के दरवाजे पर पानी भर गया है तो किसी के घर में चूल्हा चौका तबाह हो गए हैं। भारी बरसात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, ये गाँव कौन सा है? अच्छा, क्या समस्या बनी है इस समय आप लोगों के यहाँ? अरे ना नाली है ना नर्दा, कुछ अभी नाला फाला कुछ सही नहीं है, तो पानी निकले जुगाड़े नहीं है, पानी में आवाज आवाज आती है। अच्छा, पानी की स्थिति क्या है इस समय गांव में आपके यहाँ? अरे पानी तो यहाँ घर में घुस चुका है, पानी तो निकले जुगाड़े नहीं। पानी आप लोगों के घरों में घुस चुका है? घर में घुसा है पानी। तो फिर आप लोग कैसे रहते हैं इस समय? ऐसे पानी में रहा जाता था। सड़क की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, सोखता की व्यवस्था? मैंने कुछ सुनाई है सरकार द्वारा इन सब कुछ सुनाई है। सोखता नहीं है, सोखता जब वह पानी जो घर में है तो पानी निकलते वह पानी घर में। ग्राम प्रधान से आप लोगों ने इस समस्या के बारे में बात की है? सब कहा जाता है लेकिन अपना कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? ये गाँव कौन सा है? आपको समस्या क्या है? आपको आज तक सरकारी सुविधा मुहैया नहीं कराई गयी? आप लोगों को कॉलोनी नहीं दी गई? नहीं मिला। कॉलोनी के लिए आपने किसी से कहा है? हम भैया कोई से डेढ़ दिन भराए ना। तो आप लोगों का आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है? नहीं मिला। अच्छा, मिट्टी की दीवार थी वो भी ढह गई है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं इस समय? आप लोग ये अपने बच्चों के पन्नी के मकान में आप लोग रहते हैं?